ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ। टुडे इज वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एंड लेट अस वी सी क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ₹116। हाउ मच विल 7 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट। इसको भी रेशियो फॉर्म से, प्रोपोर्शन फॉर्म से करेंगे। ऐसे 5:116 प्रोपोर्शनल 7:1 मान लेते हैं यक्स, मान लेते हैं यक्स, लेट अस का भी कंसीडर लेट यक्स। तो आप इसको इस तरह से करेंगे कि 5:116 प्रोपोर्शन 7:1 यक्स। तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जब करेंगे तो 5x=116×7। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 116×7/4, तो क्या हो जाएगा 1.4। तो आप इस तरह देखेंगे क्या हो जाएगा 162.40 रुपीज़ इसका आ जाएगा, 162.40 रुपीज़। इसी तरह क्वेश्चन 6 का देख लेते हैं। एरिया और पेरीमीटर का प्रोपोर्शन दिया है। द रेशियो बिटवीन द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 7:5। यानी एक आयताकार कागज की शीट है तो उसके एरिया और पेरीमीटर का जो रेशियो दिया गया वो 7:5 है। इफ़ द एरिया ऑफ द शीट इज 38.5 cm², यदि उस शीट की एरिया जो है 38.5 cm है स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर आपको पता करना है। जिसमें भी आप कैसे कर सकते हैं, एरिया रेशियो पेरीमीटर, ये कॉल क्या दिया है 7:5 दिया है। इसी को प्रोपोर्शन मान लेंगे 38.5:x, इसी यक्स को क्या मान लीजिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हो गया। तो इसमें वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 7x=5×38.5। तो आप देखेंगे सॉल्व करने पर ये 27.5 आ जाता है, इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बी व्हाट 27.5 meters। ओके, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर होगा यहाँ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो भी आपका सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा बच्चों, ये सेंटीमीटर में होगा। ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इसी तरह से नेक्स्ट दिया है, द एज ऑफ आशीष एंड गगन आर इन द रेशियो ऑफ 7:6। इफ़ आशीष इज 35 years old फाइंड द एज ऑफ गगन। तो गगन और आशीष में जो रेशियो एज का दिया गया है 7:6 दिया गया है, आशीष को 35 है तो गगन का पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आशीष रेशियो गगन आप करेंगे 7:6 है। अब आशीष का 35 है, 35 पहले लिखा गया, पर रेशियो यक्स गगन का पता करना है। इसको भी आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो आप 7x=6×35 और जब यक्स पता करेंगे तो आप देख जाएंगे क्या हो जाएगा कि 30 years इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज ₹21,000। तो इसमें फाइंड दिस क्वेश्चन दिया है, पहले एक्सपेंडिचर पता कर लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर आप क्या दिया गया 7:6 दिया गया है। अब इसमें इनकम 21,000 रुपये दे दिए हैं, तो एक्सपेंडिचर को हम पहले यक्स मान लेते हैं, लेट यक्स बी द एक्सपेंडिचर, लेट यक्स बी द एक्सपेंडिचर। तो क्या हो जाएगा 7:x प्रोपोर्शन 21,000:x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 18,000 इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 18,000 विल बी व्हाट एक्सपेंडिचर। अब सेविंग्स पता करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो नाउ एक्सपेंडिचर क्या है 18,000। अब सेविंग्स क्या होता है, इनकम आपकी 21,000 है, एक्सपेंडिचर आपका 18,000 है, तो सेविंग उसकी क्या हो जाएगी 21,000-18,000=3,000। तो इस तरह से सेविंग आपकी क्या हो गई 3,000। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू लेटर।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th।